इतिहास के पन्नों से। इस कार्यक्रम का आधार संकलन है। विश्वसनीयता के लिए संदर्भ ग्रंथ का संपर्क। 20 जून 2020 को कंकणाकृति सूर्य ग्रहण है। खगोल शास्त्री डॉक्टर प्रवीण विधड़े क्या कहते हैं इस ग्रहण के संदर्भ में, आए और सुने। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्राध्यापक प्रवीण विधड़े, संचालक एस्ट्रोवर्ल्ड अमरावती, जहां खगोल विज्ञान का प्रसार होता है। 21 जून को सूरज हमारे उत्तरायण की चरण सीमा पर होता है, यानी कि 23.5 उत्तर में होता है। उसी दिन चांद 23.5 पर होगा और अमावस्या होने के कारण ये ठीक सूरज के नीचे से जाएगा। चांद और सूरज आकाश में दोनों के बिंब एक जैसे दिखते हैं, एक आकार के दिखते हैं। चांद हमसे थोड़ा सा दूर जाएगा तो उसका आकार थोड़ा सूरज से कम हो जाएगा। ठीक 9:30 बजे भारत की दृष्टि से देखो तो चांद सूरज के नीचे से जाने लगेगा और ठीक 10:13 को चांद सूरज के बीचों बीच मध्य में होगा और सूरज को ढक लेगा। अब चांद का आकार कम होने के कारण और सूरज का थोड़ा बड़ा होने के कारण सूरज की बाहरी कड़ा हमें दिखेगी, जिसे हम एनुलर रिंग या कंकणाकृति ग्रहण कहते हैं। ये करीब करीब 2 मिनट रहेगा। दूसरी बात, ये दृश्य बहुत विलोभनीय रहेगा, इसीलिए हम आपको चेतावनी देते हैं कि उसे नेकेड आई से या फिर बगैर सोलर गॉगल के या फिर बगैर फिल्टर से मत देखिएगा, आंखें खराब हो सकती हैं। ये कोई शुभ अशुभ घटना नहीं है, एक रूटीन घटना है, जहाँ चांद और सूरज अपने मार्ग पर है। योगा योग से वो नीचे से जाएगा और चांद की छाया हमारे पृथ्वी पर पड़ेंगी, इसे हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो आनंद लीजिए और खबरदारी लीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। 1782 को अमेरिका ने अपनी राजमोहर बनाई। सन 1908 में साइबेरिया में लघु ग्रह गिरा। सन 1869 में लक्ष्मण राव किर्लोस्कर इनका जन्म हुआ। सन 1906 में प्रज्ञा चक्षु संत गुलाबराव महाराज इनका जन्म हुआ। सन 1930 में ब्रिटिश माल न बेचने सारे व्यापारी कटिबद्ध हुए। सन 2002 में गायिका नसीम बानो इनका निधन हुआ। सन 1987 में पक्षीविद डॉक्टर सलीम अली इनका निधन हुआ। सन 1984 में अभिनेत्री नीतू चंद्रा इनका जन्म हुआ। सन 1939 में क्रिकेटर रमाकांत देसाई इनका जन्म हुआ। सन 2008 में अभिनेता चंद्रकांत गोखले इनका निधन हुआ। सन 1921 में पूना में तिलक विद्यापीठ की स्थापना की गई। सन 1957 में पखवाज वादक गोविंद बुरहानपुरकर इनका निधन हुआ। सन 1977 में पूना में भारत का पहला कीर्तन महाविद्यालय खोला गया। सन 1958 में अंग्रेजों ने ग्वालियर पर कब्जा करते ही भारत की आज़ादी की लड़ाई खत्म हुई। सन 1948 में लॉर्ड माउंटबेटन का भारत का कार्यकाल समाप्त हुआ। सन 2000 में सरकार ने जनश्री बीमा योजना लागू की। सन 1760 में लॉर्ड वेलेस्ली इनका जन्म हुआ।